सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द येलो बर्ड्स के बारे में। ये कहानी है यूएस आर्मी के कुछ नौजवान सेना की, जिन्होंने अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो सेना में भर्ती हो गए और उन्हें इराक भेज दिया गया लड़ाई के लिए। और उसके बाद इराक की लड़ाई ने उनके दिमाग पे कुछ ऐसा असर किया जिस चीज से वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकल सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कैंप को देखते हैं, और ये कैंप है यूएस आर्मी का, और यहाँ पे सारे लोग अभी पार्टी कर रहे हैं और अभी इनकी लड़ाई चल रही है इराक के साथ, फिर भी अपने समय को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पे हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है मर्फी और बाटल, और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी यहाँ पे बाटल देखता है कि मर्फी एक लड़की को देख रहा है और इस लड़की का नाम है क्लेयर। तब वो मर्फी को कहता है कि जाओ और जाकर के उससे बात करो, लेकिन मर्फी शर्माने लगता है और वो बात करने नहीं जाता। तो बाटल उसे चिढ़ाने लगता है, और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी बाहर एक विस्फोट होता है और सब लोग अपनी अपनी बंदूकें लेकर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये रोज की चीजें हैं, इसीलिए इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, और रात ऐसे ही बीत जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है सारे लोग गन की प्रैक्टिस में होते हैं। तभी हम मर्फी को देखते हैं जो अपने दो साथियों के साथ अपने बंदूकों में मैगजीन लगा रहा होता है। फिर उसके साथी भी प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। तभी यहाँ पे हमें स्टर्लिंग को देखते हैं जो इनका कमांडर है, और अब वो मर्फी को भी प्रैक्टिस पे जाने के लिए कहता है। और मर्फी जैसे ही प्रैक्टिस पे जाता है स्टर्लिंग उसे ही देख रहा होता है। तब स्टर्लिंग को पता लगता है कि मर्फी बहुत ही अच्छा है और उसका निशाना भी बहुत सही है, और उसके साथ साथ उसकी स्पीड भी, जिससे उसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती जा रही है। इसीलिए वो उसे कांग्रेस करता है और कहता है कि भविष्य में तुम मेरे साथ लड़ पाओगे, लेकिन अभी तुम्हारा साथी होगा बाटल और तुम उसी के साथ ही युद्ध पे जाओगे। और मर्फी को ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए सब लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं क्योंकि इन्हें कभी भी युद्ध पे जाना पड़ सकता है। इसीलिए जब मर्फी अपनी सारी चीजें समेट रहा होता है तभी यहाँ पे बाटल आ जाता है, और उसे मर्फी के पास एक तस्वीर मिलती है। तब वो उस तस्वीर को देखने लगता है। तब मर्फी बताता है कि ये मेरी माँ की तस्वीर है। और अब ये लोग और भी ज्यादा बातें करने लगते हैं। तो बाटल मर्फी से पूछता है कि तुम आर्मी में कैसे है। तब वो कहता है कि मैं जानबूझ के नहीं आया, मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन हिस्ट्री में अपना करियर बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूं, इसीलिए मैं आर्मी में भर्ती हो गया। तब वो बाटल से पूछता है कि तुम कैसे आए। तब वो कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही अचानक हुई। और इतना कहने के बाद वो अपनी माँ से बात करने लगता है। इसकी माँ का नाम है एमी, और एमी कहती है कि वो उसके कैंप पे आएगी उससे मिलने के लिए, लेकिन बाटल उसे मना करने लगता है। और अपनी माँ से बातें कर ही रहा होता है तभी उसके पास मर्फी आ जाता है, और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो बाटल फोन रख देता है और ये दोनों जाते हैं बाथरूम में। तब ये लोग देखते हैं कि स्टर्लिंग अपने बालों को काट रहा है। तब बाटल उसे कहता है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा रेजर है, क्योंकि मुझे भी अपने बालों को काटना है। तब स्टर्लिंग कहता है कि इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, और इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें जल्दी ही लड़ाई लड़ने जानी है, और लड़ाई में तुम लोगों का सबसे बड़ा हथियार होगा विश्वास, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब मर्फी इन बातों को सोचने लगता है, और वो बाटल से कहता है कि आखिर स्टर्लिंग हम दोनों पे इतना विश्वास क्यों करता है, और वो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देता है। तब बाटल कहता है कि कहीं उसे हम पे विश्वास हो और उसे लगता हो कि हम सच में कुछ अच्छा करेंगे। और इतना कहने के बाद वो मर्फी को कहता है कि ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, और मर्फी भी सो जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तब ये दोनों अपने आप को पाते हैं बैटलफील्ड में, और इन्हें बताया जाता है कि जल्दी से ऊपर जाओ और जाकर के दुश्मनों पे हमला करो। इसलिए ये दोनों भी ऊपर चले जाते हैं, और ये जगह एक बालकनी की तरह होती है, और यहीं से ये लोग गोलियां चला रहे होते हैं। और इन्हें जब भी दुश्मन नजर आता है तभी अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही इनके ऊपर आकर के एक बॉम्ब गिरता है, और ये लोग जिस जगह पे छुपे होते हैं वो आधी जगह तबाह हो जाती है। इसीलिए बाटल और मर्फी डर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गोलियां चलाते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मरते हैं, और इन्हें लगता है कि इन लोगों ने लगभग दुश्मनों को मार दिया है। तभी इन्हें एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। तब सारे लोग उस गाड़ी पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं, और ये लोग इस बात की पुष्टि भी नहीं करते कि उस गाड़ी के अंदर कौन है। और अब देखते ही देखते आज की लड़ाई खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे एक होमकमिंग पार्टी रखी जाती है, और जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे हैं उनके सारे परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं। तभी हम बाटल को देखते हैं जो अपने लिए खाना ले रहा होता है। तब मर्फी उसे बुला करके ले जाता है अपने परिवार से मिलवाने के लिए, और मर्फी यहाँ पे अपनी माँ से मिलवाता है बाटल को, जिसका नाम है मोरिन। और जब मोरिन को पता लगता है कि बाटल के परिवार से कोई नहीं आया है तब वो उसे अपने साथ ही बैठने के लिए कहती है, और ये लोग बहुत देर तक बातें करने लगते हैं। उसके बाद मोरिन ले जाकर के बाटल से अकेले में बात करती है, और कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अगर उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तब सबसे पहली खबर मैं तुमसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि जल्दी ही अब दूसरे युद्ध की शुरुआत होने वाली है। और ऐसा ही होता है, देखते ही देखते दूसरे युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और ये युद्ध बहुत ही खतरनाक होता है, और ये युद्ध बहुत देर तक चलता है। इसी बीच मर्फी को अपने माँ का खत मिलता है, और जब वो उस खत को पढ़ रहा होता है तभी बाटल उसे खत छीन लेता है, और वो जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आती है, और ये सारी गाड़ियां हैं यूएस आर्मी की। रूनी गाड़ियों में से निकलता है सर्जेंट बिलिंगटन, और वो इन सबको बताता है कि ये तुम लोगों का आखिरी युद्ध होगा, इसीलिए तुम लोगों को इस युद्ध को पूरे दिल से लड़ना है और जल्दी से इस युद्ध को खत्म करना है। और अब ऐसा ही होता है, ये युद्ध जल्दी ही खत्म होने के कगार पे होता है। तभी यहाँ पे मीडिया वाले आ जाते हैं, और वो सबसे सवाल पूछ रहे होते हैं
इसी बीच बार्टल अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है टेस को, और वो उन सुनहरे पलों को याद करने लगता है जो उसने उसके साथ बिताए थे। लेकिन अब देखते ही देखते युद्ध खत्म हो जाता है और सारे दुश्मन मरे पड़े होते हैं। तभी हम स्टर्लिंग को देखते हैं जो एक यहाँ पे अनुष्ठान पूरा कर रहा होता है, और जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उन पे नमक गिरा रहा होता है ताकि वो सारे पौधे खत्म हो जाए, और वो आसमान में चिड़ियों को उड़ते हुए देखता है। और दूसरी तरफ बार्टल भी, और ये सब लोग इस लम्हे का आनंद ले रहे होते हैं, और बार्टल आसमान में देख रहा होता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी सपने में हो। तभी यहाँ पे फिर से इराकी आ जाते हैं और वो इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब मर्फी उसे बचाता है और ये लोग पाम ट्री के पीछे छुप जाते हैं, और अब यहाँ पे बहुत देर तक ऐसे ही गोलियां चलने लगती हैं और सब लोग सेफ जगह पे जाने लगते हैं। तभी मर्फी के एक साथी को गोली लग जाती है और वो आकर के गिरता है मर्फी के पास। तब मर्फी पैनिक करने लगता है और अब मर्फी को भी गोली लगने वाली होती है। तभी यहाँ पे बार्टल आता है और मर्फी को बचा लेता है, लेकिन वो बताता है कि उनका साथी मर चुका है। लेकिन जल्दी ये लोग सारे इराकियों को खत्म कर देते हैं और ये युद्ध आता खत्म हो जाता है, इसीलिए सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम मोरिन को देखते हैं जिसे बहुत सारे खत मिलते हैं, और जब वो उन खत को पढ़ रही होती है तब वो देखते ही देखते पागल होने लगती है, और हमें पता लगता है कि इस लेटर में मर्फी के बारे में लिखा है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स घर आ रहे हैं, और अब बार्टल भी एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ उसे लेने के लिए यहाँ पे नहीं आई हुई है, इसीलिए बार्टल दुखी हो जाता है और वो पास के रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ पे जा करके शराब पीता है, और शराब पीने के बाद घर पहुँचता है। तब उसकी माँ उसे देखती है और उसके बाद वो उसे गले लगा लेती है, और अपने बेटे को देखने के बाद एमी बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी सुबह में इनके दरवाजे पे एक ऑफिसर आता है जो बार्टल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे झूठ बोलने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा घर पे नहीं है, और जब से वो युद्ध से आया हुआ है तब से वो बिल्कुल ही बदल चुका है, और उसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कहीं खो गया है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे आपके बेटे से बात करनी है मर्फी के केस को लेकर के, इसीलिए वो अपना कार्ड देता है और कहता है कि जैसे ही बार्टल यहाँ पे आए उसे कहना कि वो मुझसे बात करे, और ये ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। तब एमी घर में आ जाती है। तब बार्टल अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अब एमी बहुत परेशान है और कहती है कि तुम अभी अभी युद्ध लड़ करके आ रहे हो, लेकिन क्रिमिनल डिवीजन वाले तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। तब बार्टल इस बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है, और वो रात में कॉल करता है स्टर्लिंग के घर पे। तब वो लोग बताते हैं कि स्टर्लिंग भी गायब है। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब बार्टल अपना नाम नहीं बताता और वो अपने उस समय को याद करने लगता है जब वो मर्फी और स्टर्लिंग के साथ में था, और फिर वो आकर के सो जाता है। तभी सुबह सुबह एमी उसके पास आती है और कहती है कि टेस तुमसे बात करना चाहती है, लेकिन बार्टल ऐसे ही अपनी माँ को इग्नोर करता है। तब एमी को गुस्सा आ जाता है, फिर वो एक गिलास पानी लाती है और उसे बार्टल के ऊपर फेंक देती है, और इस चीज को देखने के बाद बार्टल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज के बाद ऐसा मत करना वरना मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा। और इस चीज को देखने के बाद एमी रोने लगती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर बार्टल को क्या हुआ है। लेकिन अब बार्टल यहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक दुकान में जाता है और अपने लिए बियर की बोतल खरीदता है। तभी वो टीवी पे न्यूज देखता है और वहाँ पे उसे मोरिन नजर आती है जो कहती है कि मेरा बेटा युद्ध से ही लापता है, और ना ही यूएस आर्मी को उसके बारे में खबर है और ना ही पुलिस वालों को, और मैं अपने बेटे को कैसे भी ढूंढना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नेशनल टेलीविजन पे सबसे मदद मांग रही हूँ। और इस चीज को देखने के बाद अब बार्टल और भी परेशान हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम स्टर्लिंग को देखते हैं जो क्रिमिनल डिवीजन को कॉल करता है और वो कहता है कि वो उनसे और ज्यादा नहीं छुपेगा और वो उनके पास आना चाहता है। तब वो लोग कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, और तुम जो कुछ भी मर्फी के बारे में जानते हो वो हमें बता दो ताकि हम जल्दी इस केस का खुलासा कर सके, और तुम जब तक छुपोगे तुम्हारे लिए और भी चीजें खराब होने लगी। और स्टर्लिंग भी चीजों को समझ जाता है। तभी हम बार्टल को देखते हैं जो मर्फी को याद कर रहा होता है कि वो मर्फी के साथ कैसे मजाक किया करता था, और इन चीजों को याद कर करके ये हंसते रहता है। फिर बार्टल यहाँ पे आग जलाता है और उसके बाद यहीं पे लेट जाता है, और अब ये कहानी चली जाती है फ्लैशबैक उस समय में जब बार्टल इराक में था, और हम एक गाड़ी से जाते हुए देखते हैं मर्फी और बार्टल को, और ये लोग अभी शहर के बीचों बीच जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा बम ब्लास्ट होता है और सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं, इसीलिए लोग गोलियां चलाने लगते हैं और इराकी भी इन पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत लोग घायल हो जाते हैं इसीलिए उन्हें कैंप पे वापस लेकर के जाया जाता है, और मर्फी भी घायल हो चुका है इसीलिए क्लेयर उसका इलाज करती है। और जब बार्टल उसे देखता है तब उसे अपने आप पे गुस्सा आता है कि वो मर्फी की सुरक्षा नहीं कर सका, लेकिन जल्दी ही मर्फी डिस्चार्ज हो जाता है। तब बार्टल उसे अपने माँ के लेटर्स देता है और वो उन्हें पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे दो हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उनसे भी बहुत सारे सोल्जर्स को निकाला जाता है, इसीलिए अब क्लेयर उन सबका इलाज करने लगती है, और अब मर्फी यहाँ पे क्लेयर को ही देख रहा होता है। तब बार्टल एक बार फिर से उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हें सचमुच से जाकर के बात करनी चाहिए, और अभी इन दोनों की बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और सारे लोग दूर जाकर के गिरते हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे ही बम ब्लास्ट होने लगता है और सबका कान सुन पड़ जाता है और सारे लोग घायल हो जाते हैं, इसीलिए सब रेंगने लगते हैं। तभी मर्फी देखता है कि क्लेयर घायल हो चुकी है, इसीलिए मर्फी रेंगता हुआ क्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब बार्टल भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है इसीलिए वो मर्फी को आवाज देता रहता है, लेकिन मर्फी नहीं रुकता। तब वो भी आगे आने लगता है। तभी मर्फी पहुंचता है क्लेयर के पास और वो देखता है कि अब क्लेयर मरती जा रही है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है,
और मर्फी ने यहाँ पे क्लेयर के पीठ पे हाथ रखा है जहाँ से उसका बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। और अब देखते ही देखते यहाँ पे क्लेयर मर जाती है और बार्टल मर्फी को संभालने की कोशिश करता है। तभी ये कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और मॉरिन पहुँचती है एमी के पास और वो कहती है कि मुझे बार्टल से बात करनी है अपने बेटे के बारे में कि क्या आखिरी बार उसने मेरे बेटे से बात की थी। और इतना कहने के बाद वो बताने लगती है कि वो बार्टल से मिली हुई थी। और अब एमी और मॉरिन बातें करने लगते हैं। तभी हम बार्टल को देखते हैं और बार्टल अभी एक नदी के पास होता है और वो नदी के अंदर जाने लगता है और वो सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड टेस को देखता है जो किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और जैसे ही यहाँ पे बार्टल और टेस की नजरें मिलती है बार्टल पानी के अंदर कूद जाता है और वो अंदर डूबने लगता है। और यहाँ पर भी वो याद कर रहा होता है मर्फी को। तभी टेस और उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाते हैं और वो उसे बाहर निकालते हैं और वो उसके पेट से भी पानी बाहर निकालते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो टेस और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ और वो सारी बातें उसे बताने लगते हैं। तभी टेस आती है यहाँ पे बार्टल के पास और वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन बार्टल बिल्कुल भी टेस से बात नहीं करना चाहता इसीलिए वो उसे ऐसे ही इग्नोर करते रहता है। तब पुलिस वाले उसे ले जाकर के घर छोड़ देते हैं लेकिन बार्टल जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है उसे पता लगता है कि घर के अंदर कोई और भी है। और जब वो अंदर जाता है तभी वो मॉरिन को देखता है और मॉरिन उससे बात करना चाहता है। लेकिन मॉरिन को देखने के बाद बार्टल यहाँ से भागने लगता है और वो भाग करके पहुंचता है एक स्टोर में जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है। तब वो लड़की को कहता है कि वो उसके साथ रात गुजारना चाहता है लेकिन लड़की उसे मना करने लगती है। तब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पे कैप्टन एंडरसन आते हैं और वो बार्टल को बताते हैं कि अब स्टर्लिंग के पीछे कोई नहीं जा रहा क्योंकि अब इस केस से उसका कोई वास्ता नहीं क्योंकि स्टर्लिंग ने आत्महत्या कर ली इसीलिए अब सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं इसीलिए अब इस केस की आखिरी कड़ी तुम ही बचे हो। और इतना कहने के बाद उसे लेकर के जाने लगते हैं और बताते हैं कि अब तुम्हें जेल होने वाली है। तब बार्टल अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि अब वो थोड़े समय के लिए जेल जा रहा है। और इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब बार्टल को जेल में डाल दिया जाता है। तभी मॉरिन उससे मिलने आती है और कहती है कि बताओ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। तब बार्टल यहाँ पे अपनी कहानी बताना शुरू करता है और फिर से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हम उसी समय को देखते हैं जब क्लेयर मरी हुई होती है और ये दोनों क्लेयर को स्ट्रेचर पे लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन क्लेयर को मरा हुआ देखने के बाद अब मर्फी टूट जाता है और वह फूट फूट के रोने लगता है। लेकिन इनके सीनियर से इन्हें जल्दी ही खबर मिलती है कि इन्हें फिर से जाना है शहर के बीचों बीच। लेकिन अब ये सब लोग घायल हैं और सब लोग मानसिक तौर पर थक चुके हैं लेकिन फिर भी इन्हें जाना पड़ता है। फिर ये जैसे ही शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं इन्हें बीच सड़क पे एक डेड बॉडी नजर आती है जिसके ऊपर एक बॉम्ब लगा हुआ होता है इसीलिए सारे लोग रुक जाते हैं। और जल्दी ये लोग कैंप से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि एक बॉम्ब स्क्वाड को भेजा जाए। लेकिन तब तक ये लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में अपने लोगों को भेजने लगते हैं ताकि आसपास के जगहों पे जाकर के चेक कर सके कि आखिर ये प्लानिंग कौन कर रहा है। फिर ये लोग ऐसे ही घूमने लगते हैं और बहुत देर का समय बीत जाता है। तब ये लोग आसपास के लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या इन लोगों ने यहाँ पे कुछ अनयूजुअल देखा है। और जब बार्टल एक औरत से बात करता है तब वो बताती है कि उसने एक अमेरिकी लड़के को नंगे पांव भागते हुए देखा। और इस चीज को सुनने के बाद बार्टल चौंक जाता है और उसे लगता है कि इराकियों ने मर्फी को पकड़ लिया है क्योंकि मर्फी ही गायब होता है इसीलिए सब लोग मर्फी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनके इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें मर्फी नहीं मिलता। फिर सारे लोग हार मान जाते हैं लेकिन स्टर्लिंग आकर के बार्टल से कहता है कि हम दोनों उसे ऐसे ही ढूंढते रहेंगे और इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी इनकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से और वो कहता है कि उसने एक व्हाइट लड़के को देखा था इसीलिए अब ये लोग इस बूढ़े आदमी के पीछे जाने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक वीराने में जहां पे इन्हें मर्फी की लाश मिलती है जिसे इराकियों ने नंगा करके मार दिया है। और इस चीज को देखने के बाद अब बार्टल टूट जाता है और स्टर्लिंग भी। तब स्टर्लिंग कहता है कि ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलने वाली है और हम इसके लाश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन लोगों ने इसकी लाश को चीर फाड़ दिया होता है इसीलिए लोग मर्फी की लाश को नदी में बहा देते हैं। और ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है इसीलिए मर्फी की तलाश अभी तक जारी है। और इसी तलाश की वजह से बार्टल भी अभी जेल में है। और अब इन बातों को सुनने के बाद मॉरिन पूरी तरीके से टूट जाती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे की लाश चाहिए क्योंकि मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। और इतना कहने के बाद वो एक नक्शा निकालती है और बार्टल से पूछने लगती है कि उसने उसे कहाँ पे बहाया था। फिर वो बार्टल से पूछती है कि मेरे बेटे को सबसे ज्यादा क्या पसंद था। तब वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद थी जिसका नाम था क्लेयर और वो उसके साथ डांस करना चाहता था। और अब हम यहाँ पे मर्फी और क्लेयर को डांस करता हुआ देखते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।